Hey guys, what's up? It's your friend Dipesh Randani from MF. So guys, there are on days and off days of yourselves. So how to look stylish? Can the first topic अपन ये लेंगे कि जरूरी नहीं है कि आप हमेशा fitted clothes पहने हो, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा baggy clothes पहनो. आप किसके अंदर comfortable feel करते हो? That's the most important thing. अगर आपने जो भी पहन रखा है, आपने उसको बहुत अच्छे से carry कर रखा है, so it means you are the rock star. Seriously. आप जैसे किसी का भी example ले सकते हो, जैसे कि निक जोहानस, वो ऑलमोस्ट मैं जब भी देखता हूँ उसकी हमेशा बहुत बैगी क्लोथ पहनता है, स्टिल वो बहुत हॉट लगता है उसके अंदर. एंड सीरियसली मैं जिम के अंदर थोड़े लोग हमारे जिम में फिटेड पहनते हैं एंड थोड़े बैगी पहनते हैं, स्टिल जो लोग उस हिसाब से वो अपने आप को कैरी करते हैं, हैट्स ऑफ टू देम यार, सीरियसली. सो ये टॉपिक प्लीज़ आप ध्यान रखें. सेकेंड थिंग, मेक श्योर गाइज यू शुड नॉट बी ओवर ड्रेस. आप कभी ओवर ड्रेस नहीं हो, हमेशा ये ध्यान रखें. आप कहीं पर भी जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल बर्थडे पार्टीज पे जा रहे हो, आप ऐसा अपने आप को प्रिटेंड करके मत जाओ कि आई एम द बेस्ट ड्रेस्ड वाला गाय, कि आप उस हिसाब से अपने शादी के कपड़े पहन लेते हैं. कोई कोई होता है यू नो बहुत ज़्यादा ओवर ड्रेस हो जाता है. सो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई से भी ओकेजन पे पता होना चाहिए आपको कौन सा ओकेजन किस टाइप से क्या पहनना चाहिए. अगर आपको इन चीज़ों के अंदर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, सो मैंने एक वीडियो बना रखी हाउ टू ड्रेस अकॉर्डिंग टू इंडियन मैन, सो यू शुड वॉच इट, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको गाइज हमेशा याद रखनी चाहिए कि एवरी सिंगल वीकेंड आपको अपना क्लॉजेट रीअरेंज करना चाहिए. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप हमेशा अपने क्लॉजेट के पीछे पड़े रहें, आपको हमेशा हर वीकेंड को अपना क्लॉजेट जमाना चाहिए. गाइज मेरे को पता है बॉयज़ पता है गर्ल्स का सिस्टमैटिक अरेंज रहता है, बॉयज़ का इतना सिस्टमैटिक कभी क्लॉजेट अरेंज नहीं होगा, पर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ अपना क्लॉजेट ढंग से जमाएं, बिकॉज आप ढंग से जमाएंगे आपके कपड़ों की ऑटोमेटिकली केयर होगी. एंड आपकी कोई पुरानी टी शर्ट्स जो आप नहीं पहनते होंगे आप किसी को दे भी सकते हो नहीं, तो अगर वो पड़े पड़े हैं तो ऑब्वियसली आपका क्लॉजेट एक्स्ट्रा बढ़ रहा है. सेकेंडली आपके पास स्पेस नहीं होती चीज़ें रखने की, और आप हमेशा बोलते हो मेरे पास कपड़े नहीं है. सो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि अपना क्लॉजेट एवरी वीकेंड जमाए. सो गाइस दिस इज़ माई क्लॉजेट, मैंने देखो हर एक चीज़ प्रॉपरली सिस्टमाइज कर रखी है, जस्ट लाइक ऊपर प्रॉपर शर्ट्स हैंगिंग है, उसके अंदर सारे ड्रेस शर्ट्स हैं, इधर मेरे सारे टक्सीडोज हैं, एंड उसके नीचे सारे शूज़. दीज आर प्रॉपरली अरेंज वार्डरोब. सो गाइज आपको ध्यान रखना चाहिए आपके हर एक चीज़ प्रॉपरली आप अरेंज करो. सो यस गाइज, फोर्थ थिंग, ऑलवेज एक्सेसराइज योर सेल्फ. गाइज हमेशा आपके पास एक्सेसरीज होनी चाहिए, लाइक वॉचेस, लाइक बैंड्स, रिस्ट बैंड्स, अलग अलग चीज़ें ध्यान रखिए. आप मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमेशा नॉर्मल एक प्लेन वॉच एंड एक नॉर्मल बैंड्स यूज़ करें, डिफरेंट डिफरेंट एक्सेसरीज हो सकती है. जस्ट एक नेक पीस बहुत क्लासी सा कैरी कर लिया, वो भी बहुत अच्छा लगता है. एंड डोंट ओवर एक्सेसराइज, जब आप कहीं भी नॉर्मल पार्टीज में जा रहे हैं कुछ ओवर ना कर लें. सो ऑलवेज यू नो ट्राई टू जस्ट मिनिमाइज एंड दैट विल बी द रॉक ऑन लुक. फिफ्थ टॉपिक गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑलवेज कीप योर ग्रूमिंग एसेंशियल्स विथ यू व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ कपल ऑफ डेज आउट. जब भी आप कहीं भी बाहर जा रहे हो आप गाइस आपको पता होना चाहिए आप जब बाहर जा रहे हो आपके पास आपकी ग्रूमिंग किट्स हैंडी रहने चाहिए. यार आप बाहर जा रहे हो आपका कॉम्ब हैंडी होना चाहिए, आपके ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स लाइक शेविंग क्रीम, रेजर्स, फेशियल वाइप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपकी सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए. एंड जब भी आप बाहर जा रहे हो आपको किसी ये नहीं पता डोट तेरे पास परफ्यूम है मैं अपना भूल गया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. आपको अपनी चीज़ें हमेशा कैरी करनी चाहिए. When you are going for a couple of days, like आप कभी बाहर चले गए for as a business meeting or school trip or college trip, आपके पास ये सारी चीज़ें हैंडी रहनी चाहिए. Second thing in this fifth one is always invest in your basics. Basics के अंदर आपकी basic black t-shirt, basic white t-shirts, ऐसी ऐसी चीज़ों पर invest करो जो हमेशा trend में रहते हैं, like your sneakers, your boots, etc. And आप हमेशा ये सोचें कि आप कभी भी मिक्स एंड मैच करके अपने ड्रेसेस पहने, जैसे कि आपको अपना क्लॉजेट भरना ना पड़े, आपको ये नहीं लगे कि आप हमेशा भरते रहो क्लॉजेट. आप छोटे मोटे चीज़ों से भी बहुत अच्छा क्लॉजेट बना सकते हैं. सो यस गाइस, सो गाइस दिस वाज अ वीडियो ऑन हाउ टू लुक स्टाइलिश, एंड इसके अंदर मैंने दो वीडियोज़ के लिंक्स बताए थे, एंड हाउ टू लुक गुड एज अ इंडियन मैन एंड हाउ टू ग्रूम प्रॉपरली, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, सो डू चेक इट टू. Guys, if you like this video, just give it a big fat thumbs up. Don't forget to subscribe my channel by the name MFT on Men's Fashion Techniques. I'll be uploading my Instagram and social media
other social media handles down in the description, so do follow them too. And if you are having any queries, so you can just write in that comment section or you can just email me. Thank you guys, see you later.